रायबरेली का तो लखनऊ है। सर हम यहाँ पे आए थे रायबरेली, हम घूम चुके हैं, सलोन भी हो चुका है, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला सर। यूट्यूब पे देखा तो हम यहाँ पे आए टाइप का आदमी घूम आ गया है, दरबार धरबार जमीन पाउने पौने दाम में खरीद लिया करता है और बाप सर महंगे दाम बेच दिया करता है। उसका सर जो कुछ भी वहाँ नहीं, ना सर उसकी जमीन है, ना अगल बगल उसका कुछ कुछ भी उसका नहीं। सर जमीन सर सर 2006 में उन्होंने खरीदा है और सर 8-8 पीलर फिर भी पीलर खड़ा करवा दिए और महोदय पीलर आज भी खड़े हुए, उस जमीन कब्जा है। बताओ कि हमारा भाई छोटा भाई हमारे बड़े भाई के साथ चला गया था 2007 में। अब जब हमारे माँ और पिता गुजर गए तो हमसे 3-3 लाख रुपया दो भाई से मांग रहे हैं। सभी करके दो गाड़ी भी देते हैं, ठाकुर भी हमको गाड़ी दे रहे हैं, लाए लाए पैसा भी नहीं दे रहे हैं। प्रधान के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, और जबरन मेरे घर पे कब्जा कर लिया और मुझे वहाँ का प्रधान है निकोदा ग्राम निवासी, 3 साल से पंचवर्षीय कर रहा है, 3 बार इस बार प्रधान पति है सर, पर मुझे कह रहा है तुम ड्रामा के बीच में नहीं जा सकते, अछूत जाति के हो तुम, तुम्हें यहाँ घर न बनाओ, जाति से दो तरफ रहो, और फिर ही गाँव का ही है। अच्छा ठीक है, रिपोर्ट में लगा हुआ है कि 1583-1584 वो एक ज़मीन का विवाद दिखाया जाता है, जबकि ना ही 1583 घाटा में उसका कुछ है, ना 1584 घाटा में कुछ है। SDM साहब की रिपोर्ट भी लगी हुई है, ठीक है, और साथ में इस वो राजस्व टीम के कमिश्नर साहब को भी दी गई रिपोर्ट, वो भी स्वयं प्रस्तुत करती है कि 1583 और 1584 में उसका कुछ है नहीं। सर मैंने कहा मेरा पैसा वापस करो जैसे आप लिए थे, मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ है, तो मुझे धक्का मार के भगा दिया सर वहाँ से। कराते हैं कर भी बोला कि बैठ जाओ, नए बैठे सर, फिर जबरदस्ती हमको दारू पिलाया, पिला कर फिर हम कहें हम जा रहे हैं घर, फिर नहीं हम जा रहे थे घर, फिर अच्छे ये खिलाड़ी है ये हमारा, फिर खिलाड़ी ये हमारा आज तक सर कोई कार्रवाई ना पाई है, लिखी हुई जब होता है तभी हमारे घर संदेशा किसी न किसी भेजे रहते हैं। अच्छा तो हमारे 4 को लड़के हैं सर, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, इनकी जमीन है, इन्हीं खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया सर। और सर हमारा मुकदमा नहीं लिख रहे हैं सर, आपने आदेश किया तो CEO साहब ने जांच भी नहीं किया, हमारा बयान लिया और उनके लिए अभी तक नोटिस भी नहीं दिया, और जो पुलिस ने पहले से लगाया था वही रिपोर्ट भेज दिया। कैसे माफिया पहले जेल वगैरह गए हैं सर? जेल नहीं सर, ये भू माफिया सर, लेखपाल बार बार रिपोर्ट लगा रहे हैं कि लोग कब्जा कर रहे हैं, थाने पर सूचना भी सर दे रहे हैं, उसके बावजूद सर कोई कार्रवाई नहीं, थाने पर सर एप्लीकेशन देते हैं, कहते हैं हम लोग क्या करें। रायबरेली का तो लखनऊ है सर, हम यहाँ पे आए थे रायबरेली, हम घूम चुके हैं, सलोन भी हो चुका है, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला सर। यूट्यूब पे देखा तो हम यहाँ पे आए हैं। गुंडा टैक्स कौन मांगता है? आपके यहाँ कप्तान साहब कौन है, मिले उनसे? नहीं कप्तान, उनसे मिलो ना, कप्तान साहब से मिलिए, वो करा देंगे, इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा आपको। DM साहब के पास गए थे, DM साहब के पास तहसील दिवस में सर दरख्वास्त दिए थे, तो वहाँ पे ये हुआ था कि ठीक है भाई ये तहसील दिवस ख़त्म होने तो उसका जो है आज समाधान करेंगे, साइड में बैठे हुए, तो उसके बाद जो है वहाँ पे लेखपाल और वहाँ पे फुटवाल साहब बोले कि काम करो अपनी रशीद ले लो जाके, वहाँ से रशीद लेने के लिए गए तो लेखपाल आए वहाँ पे, कहने तुम मौके पे चलो अभी जैसी सभा पूरी होती है हम आते हैं वहाँ पे, सर वहाँ पे चले गए, फिर वहाँ पे भी कोई नहीं आया सर, जितनी बार भी जाते हैं वहाँ पे सुनवाई नहीं होती, हमको टाल दिया सर। अभी बीच हमारे 3 पेड़ काटे गए हैं उसके लिए, उसके लिए दरख्वास्त दी थी, तो उसके लिए जो बोले कि यथास्थिति बनाए रखो कोई भी नहीं उठाएगा, 15 दिन के बाद सर वो सब उठा के लेके चले गए, उसके लिए भी गए तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं सर, जाते हैं तो वो 116-7 दोनों को ऊपर करके हटा देते हैं, जो कि हमारी घूमधरी ज़मीन है सर, सन 2012 में इसकी पैमाइश भी करवाई गई, उसके बाद जो है सन 2012 में पैमाइश करवा के बनवाया है। ये ज़मीन जायदाद के मामले होते हैं तहसील दिवस थाने दिवस पे, उस पर चले जाइए, वहाँ अधिकारी बैठते हैं, ठीक है, वो कर देंगे हल। सर बड़ी उम्मीद लगा के आया सर आपके पास, और कप्तान साहब को कह दे रहा हूँ आपको, आप चले जाना वहाँ। एक लेटर लिख के दे देना इन्हें, बैठ जाओ, अभी एक लेटर लिख के देंगे आपको। क्या हुआ जी सर? मैं सर सरसों की रहने वाली हूँ, उनकी करीब मेरी ज़मीन है, बनवा खरीदी गई है वो 2005-2006 में, कुछ परिस्थिति बस वो नहीं बन पाई सर, तो उसमें पिलर चौकी का पड़ी हुई,
अच्छा, तो एक वो बगल में आ गया कहीं बाहर इधर पूरा पश्चिम की तरफ का, तो हमको बनवाने पर उनका कह दिया तो भेज ले या तो 2 लाख रुपया दे। और सगले उठे सर, जहाँ जाती हूँ सगले पूरे दिए हैं पैसा वैसा, और कहे कोई सुनवाई नहीं होती। तो अम्मा सर पैसा नहीं है ना, मैं अपने बच्चन को के साथ भेज चाहूँ। इसी प्रकार से मैं सोचती हूँ, बताइए बताइए। मोदी सर ये सब 2006 में इन्होंने जमीन खरीदा सब रजिस्ट्री है, सब खरीदने के बाद चारों तरफ से 8-8 फीट का खंभा गड़वा दिया था। और साहब जो आदमी व्यवहार मुक्त करा है, साहब दलाल टाइप का आदमी घुमा दिया है, वो सर दरबार धनबाद जमीन पाउने पौने दाम में खरीद लिया करता है, और बाप सर महंगे दाम बेच दिया करता है। उसका साहब जो कुछ भी वहाँ नहीं, ना साहब उसकी जमीन है, ना अगल बगल उसका कुछ कुछ भी उसका नहीं। सब जमीन सर सब 2006 में उन्होंने खरीदा है, और सर 8-8 पिलर फिर भी पिलर खड़ा करवा दिए, और मोदी पिलर आज भी खड़े हुए, सब जमीन कब्जा है, सिर्फ सब घर बनाए नहीं गए, सब घर बनाए नहीं गए, बस सच्चाई है। तो सर डरबा धमका जमीन की खरीदना चाह रहा हूँ, अभी बता दिया कप्तान साहब को, वहाँ मिलिएगा, ना हो तो 15 दिन बाद यहाँ आना। जी जी, ठीक बताओ जी। हमारा भाई, छोटा भाई हमारे बड़े भाई के साथ चला गया था 2007 में। अब जब हमारे माँ और पिता गुजर गए तो हमसे 3-3 लाख रुपया दो भाई से मांग रहे हैं। ना किस लिए मांग रहे हो, अगर जब बाप माँ बहतारी तुमने कमा के दिया होता उसके साथ रहते तो चाहे 10 लाख लगता मैंने देता, कह रहा नहीं। पैसा कौन मांग रहा है? बड़ा भाई, छोटा भाई मांग रहा है, नहीं दे रहे हैं तो हमको। एक हमारे दादा का लड़का, वो बदमाश है, पुलिस तक का मारा है, काट के पीट दिया है, उसका लगा के जब बातचीत होती तो उसका बुलाया जाता है, और वो अपने से गोली मार के हमको फंसवा दिया और उसमें बेव कर दिया और बंद, और अपने घर में छिपा के रखता है, उसी के दहलियत से हमको मारगारी करता है, हम परत दिन रोज करता है। इसी तरह और घर खेत सबने कब्जा किया 2020 में, हमारी फसल भी काट लिया और जेवर जितनी उसको भी धरा, मांग रहे थे इसी तरह गाड़ी दे रहे हैं, अभी परसों भी जमानत कराए थे, पूरा खेत जोते हैं और उल्टा हमको 11 तारीख तक जमानत भी कराई पड़ा है। तो मिलेगा कप्तान साहब? सुनाई नहीं हो रहा हमारा। एसपी कौशाम्बी को मिलने गए अपने? जी। क्या बोल दिया उन्होंने? सब इसी तरह मैंने कई बार वहाँ प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ भी नहीं सुनाई हो रही मेरी। और उसका लड़का, उसका हमारा बड़ा भाई कह रहा है कि हमारा लड़का अगर नौकरी पाया जाएगा तो हम इनको दोनों भाई का काट के फेंक देंगे और थाना चौकी कुछ नहीं करेगा उसमें, इसी तरह कहता है। ना हिस्सा देता है ना कुछ, सब घर द्वार। सीओ साहब बुलाएंगे आपको बयान के लिए, तो चले जाना। सर हम भट्टन के साथ काम करते हैं, हमारे आदमी जो पैसा मांग रहे थे तो गाड़ी भुगतान कर रहे हैं, और चरा थाने में सभी करके 2 गाड़ी भी देते हैं, ठाकुर भी हमका गाड़ी दे रहे हैं, तो पैसा भी नहीं दे रहे। पैसे भी नहीं दे रहे? थाने गए थे? क्या कह दिया? थाने से कार्रवाई होगी? देख रहे हैं कुछ नहीं, अब होगी कार्रवाई, ना हो तो 15 दिन बाद यहाँ आ जाना। प्रधान के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, और जबरन मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और मुझे वहाँ का प्रधान है निकोदा ग्राम निवासी, 3 साल 5 वर्ष से कर रहा है, 3 बार इस बार प्रधान पति है सर, पर मुझे कह रहा है तुम ब्राह्मणों के बीच में नहीं जा सकते, अछूत जाति के हो तुम, तुम्हें घर न मानो, जाति से दो तरफ रहो। जब मैं थाने गया सर तो वहाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं हुई, ये थाने पहले वहाँ मौजूद। कप्तान साहब से किससे मिले? हाँ सर, वहाँ भी गए, वहाँ भी मुझे घेर के बाहर, गेट के बाहर मिला, धमकी दिया कि आओ घर, उस दिन से मैं घर भी नहीं गया, कह रहा आओ घर में तुम्हें जान से ना मार दूँगा, कहे जिसके पास जाना जाओ, गाँव में आप किसी से पूछवा लीजिए।
वहाँ के सीओ साहब से मिलना, वही आपकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे। जाइए बताइए। इसके लोगों के खिलाफ एक एफ आई आर करवाया है। किसने? और कपके गांव का ही है। अच्छा, ठीक है। रिपोर्ट में लगा हुआ है कि 1583-1584 वो एक जमीन का विवाद दिखाया जाता है, जबकि ना ही 1583 गाटा में उसका कुछ है, ना 1584 गाटा में कुछ है। एसडीएम साहब की रिपोर्ट भी लगी हुई है, ठीक है, और साथ में इस वो राजस्व टीम के कमिश्नर साहब को भी दी गई रिपोर्ट, वो भी स्वयं प्रस्तुत करती है कि 1583 और 1584 में उसका कुछ है नहीं, ठीक है। इन दस्तावेजों के बिहाफ पे हमको इस तरह से करता है, बैनामे की ज़मीन दिखा के वो छूट मूट के हमारे ऊपर अपराध कायम करवाता रहता है, जबकि हमारी नाप की रिपोर्ट भी लगी हुई है। नाप की रिपोर्ट में हमारा एक उत्तर दिशा में खंडहर मकान भी है, वो भी हमारा ही है, नाप का रिपोर्ट साफ साफ उसमें दिखा रहा है, ठीक है। फिर भी वो वहाँ पे बात अपने आप को बना के, और हमको पता भी नहीं चलता, और चुपचाप कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये बात मतलब दाखिल हुआ है। अभी न्यायालय को उसमें हमने वो मतलब उससे बचने के लिए न्यायालय का वो भी किया हुआ है, स्टे भी मिला हुआ है। अभी देखिए एसएसपी साहब को उसने एक अप्लीकेशन दिया है फिर से अपराध बनाने के, कि ये देखिए निर्माण करने का आदेश पाने के लिए वो कर रहा है। क्यों आदेश पाने के लिए कर रहा है, जब हमारी ही ज़मीन है, 1583-1584 में कहीं उसका नाम नहीं है, ठीक है। किस तरह से वो फर्जी, कौन सा दस्तावेज, कौन सा बैनामा है, ये पूरी 74 रिपोर्ट कमिश्नर साहब को दी गई 74 रिपोर्ट है, ये एसडीएम साहब की रिपोर्ट है, इसमें भी दिया गया है कि 1583-1584 में कहीं भी उसका नाम नहीं दिख रहा है, ठीक है। किसी 74 में जब नाम नहीं है तो कैसे बैनामा उत्पन्न हो जाता है, बैनामे के उस पर हमारे ऊपर FIR करता है और बार बार झूठा आरोप करता रहता है। तो हमारा कहना है कि विवेचना में कितनी FIR लिखा दी उसने? एक NCR लिखाया है उसने और एक FIR लिखाया है, ठीक है। अभी फिर SSP साहब के यहाँ एक लगाया हुआ है कि हम लोग अपराधी हैं और हमारा मतलब एक संगठित ग्रोह चलता है, सारा सब कुछ लिखा हुआ। तो वहाँ दिया आपने, वहाँ SSP साहब के यहाँ भी दिया है? नहीं, अपनी सफाई में साहब भी थाना दिवस में उसको बुलाया गया था। फिर क्या हुआ? यशो साहब के सामने सारी मतलब दस्तावेज रख के बात हुई, मौके पे वहाँ पे लेखपाल भी थे, वर्तमान लेखपाल भी था, जो सारी चीज़ों को खुद ही स्पष्ट कर दिए। और वहाँ पे इसी तरह भी हुआ कि हाँ भाई फर्जी रजिस्ट्री है, चाहे आप एक बार यशो साहब से भी इस बात के लिए बात कर सकते हैं। तो जब इस तरह से किस तरह से हमारे ऊपर अपराध कार्य कर रहा है, छोटा छोटा इस तरह से अपराध बना के एक दिन तो हमें तो अपराधी बना देगा साहब, और हम उसके जवाबदारी के शिकार होते रहे। तो मेरा कहना है एक बार रजिस्ट्री मंगा लीजिए, उसके दस्तावेज मंगा लीजिए सारे, ठीक है, और उसके बिहार पे फिर विवेचना किया जाए। क्योंकि मैंने पहले भी विवेचक से बोला था, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं तो अपराध की विवेचना करूँगा, मैं जमीन से हमसे क्या मतलब है, लेकिन वो अपराध कार्य करेंगे तो मैं अपराधी हो जाऊँगा। तो SSP साहब के सामने सबको बुलाया जाएगा, विवेचक को भी, दोनों पार्टियों को भी, तभी हल हो जाएगा ये मामला। नहीं होगा तो फिर मैं बुलाऊँगा 15 दिन बाद, ठीक है सर। धन्यवाद सर। मेरे पिताजी को हमें विदेश भेज दिया था फर्जी वीजे में, और उसके बाद वहाँ फंस गए। तो मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरे पिताजी को ना काम मिल रहा, वापस बुलवा दीजिए। उसने कुछ भी नहीं सुन रहा था। मैंने हर एक जगह अप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक एम्बेसी में भी दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या 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 लिए थे पैसे आपसे उसने? कितना सर पैसे, किस बात के लिए लिए थे पैसा? काम दिलाने के लिए, विदेश भेजने के लिए लिए थे। और वहाँ से जब फंस गए तो मैंने उनसे से दोबारा कहा, कई बार कहा, फ़ोन भी नहीं उठाते थे, मैसेज भी नहीं करते थे, फ़ोन सिम बदल दिया। फिर उसके बाद मैंने थाने में लिखा है इसकी FIR? नहीं, FIR मेरी नहीं लिख जाती सर। उसके बाद कहाँ जो एप्लीकेशन दी वो कहाँ, जो थाने पे दी आपने? सर इसी में, सर उसके बाद तो इस एप्लीकेशन पर उसे बुलाया गया नहीं? नहीं बुलाया गया सर। फिर उसके बाद मैंने 8 महीने बाद मैंने 1,20,000 फिर पैसा भेजा कर्जा लेके। फिर ऐसे मैंने कहा मेरा पैसा वापस करो जैसे आप लिए थे, मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे धक्का मार के भगा दिया सर वहाँ से। कराते हैं कार्रवाई, 15 दिन बाद आना यहाँ अगर कार्रवाई ना हो तो। तो दारू पी रहा था सर, हम उसके पास से जा रहे थे, तो उसके पास से जा रहे थे तो उसने बोला यहाँ हम गए सर। तो फिर उसने बोला
कि बैठ जाओ, नहीं बैठे सर, फिर जबरदस्ती हमको दारू पिलाया, पिला कर फिर हम कहें हम जा रहे हैं घर, फिर नहीं हम जा रहे थे घर, फिर पछे ये खिलाड़ी है ये हमारा, एक खिलाड़ी ये हमारा, फिर हम किसी तरह झटक पटक के भागे, वहाँ से भाग गए डेरा था, डेरा में गए थे सर, वहाँ फिर हम बेहोश हो गए थे। ये देखना आज कौशाम्बी के किन थानों की सबसे ज़्यादा आई है, हाँ देखना किस थाने का, ये असर करना कि सबसे ज़्यादा मतलब कौशाम्बी के तो आ ही रहे हैं सबसे ज़्यादा, कौशाम्बी के किस थाने के या किस सर्किल के हैं सबसे ज़्यादा जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं। एक ये है कि जब हमारे नज़दीक वाले का किसी का आ जाए तो फिर भी कोई बात नहीं, पता चला दूर के आ रहे हैं, पश्चिम शरीर का इधर उधर रिपोर्ट करने जाते हैं, डांट के भगा देते हैं। शाम को देना है रिपोर्ट सारे इकट्ठे करके, और इस पर लेटर भी लिखना उनको, डीओ लेटर लिखवाना फिर कि एसपी कौशाम्बी कि आपके इन इन थाना क्षेत्रों में इसका मतलब सुनवाई सही नहीं हो रही पब्लिक की, जिससे इतनी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। तो ये कुल्हाड़ी मारी क्या हमारा, तो ये मेडिकल कहाँ किसने कराया, पुलिस ने कराया आपने कराया अपने आप? हाँ मैं मंझनपुर जिला अस्पताल कराया, तो वहाँ बताया नहीं कि ये पुलिस केस है किसी ने मारा, कोई सुनाई नहीं सर, पुलिस नहीं आई उसमें, कोई सुनाई नहीं सर, गरीब आदमी साहब पैसा दस पैसा दे के काम अपन कर लेते हैं, हम पैसा तो है लेता है, तो हमारा कोई सुनाई नहीं, गाली ऊपर दे रहे हैं। ये लगाना जरा पश्चिम शरीर आ, बैठ लो जरा, अभी बात करते हैं उनसे, बैठ जाओ उधर, क्या हुआ? हमारी जमीन लिखवा ली है भाई, मुझे पैसा नहीं दे रहा, पैसा मांगने पर जमीन कहाँ लिखवाया, प्लॉटिंग कर दी है, कब्जा भी किया, प्लॉटिंग इन्होंने कर दी जी सर, अब कई मार आपने रजिस्ट्री कर दी जाके, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में? हाँ सर, रजिस्ट्री भी कर दी? हाँ रजिस्ट्री की दाखिल, तो रजिस्ट्री तो तभी करना चाहिए जब पैसे आ जाए पूरे, नहीं सर कहें घर पे चल के दे रहे, हमारे पिताजी बीमार थे, डेड भी हो गए, पैसा मांग रहे पैसा नहीं दिया, ये तो रजिस्ट्री में तो ये लिखा जाता है कि पैसे दे दिए, नहीं उसमें सर नहीं लिखा हुआ रजिस्ट्री में, कहाँ है कॉपी उसकी? फिर धमकी भी दे रहे हैं फोन पर, घर पे भी जाके धमकी दिए कि दरखास्त अप्लीकेशन बंद, अंजाम अच्छा नहीं होगा, 26/7 को रात 1 बजे सर हमारे घर पे बम भी फेंका गया, तो हमने कई मरतबा तहरीर दी सर, कोई कार्रवाई नहीं, और कहीं घर पे किसी लोग को भेज के बताते हैं कि फैसला आ जाए, बता देना भेज तो नहीं, अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये हमारी मैडम है इनको भी कई मरतबा धमका चुके, कोई ना कोई संदेश है घर पे, जब ये बम चला उसके 1 हफ्ते बाद आए, कौन दिया है दरखास्त, थाने कौन गया था? तो एसएसपी साहब से मिले आप 30/8 को? जी सर, हम क्या किया उन्होंने भाई, हैंड दरखास्त दिए साहब ने, जांच लिखा था और वहाँ से रिपोर्ट लग गया है सर, क्या तो नीचे लगी है सर, ये दिए थे इसके लिए, उक्त भूमि के संबंध में बात चल रहा है, पूर्व में भी थी, इस बार 350 चल रहा है, आवेदक से वाद उपरोक्त के संबंध में पूछने पर बताया कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अपने नाम से हर जगह विराजमान रहा हूं, अभी मेरे पास द्वारा संबंध में आपके नाम आ गई है जमीन ये? जी सर, वरासत आ गई, ये तो कह रहा कि मेरे आपने लिखा है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास? नहीं सर, वरासत आ गई, खतौनी में नाम हो गया, खतौनी में नाम आ गया आपका? जी सर, और मेरा मुकदमा पिताजी से चल रहा है सर, और आज जो इसमें शामिल है वो हम, और ये हमारे गांव के सर, हम इनसे न लड़ सकते हैं सर, आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं सर, 3 महीने से भाग रहे हैं सर, थाना चौकी एसएसपी साहब से अगर हम दरखास्त दे चुके सर,
भाई ना भाई है लिखी हुई, जब होता है तभी हमारे घर संदेशा किसी न किसी भेजे रहते हैं। अच्छा, तो हमारे चार को लड़के हैं सर, हमारे आगे पीछे कोई नहीं। अब ये हमारी मिसेस है, इनको भी धमकाया गया, कह रहे हैं एफ आई आर के लिए कर, एस एस पी साहब से मिलना आप। जी जी, यहाँ कुछ हुए थे 20 लाख, हमारे यहाँ साथ मारपीट हो गई थी, हमारी जब घूम भरी जमीन है सर, उसकी नाप हो चुकी है, पत्थर गड़ गया है सर उसमें, उसमें सर ये लोग जो है हमारे विपक्षी पत्थर उखाड़ करके बांस गाड़ रहे थे सर। ये कौन है? ये सब सर हमारे भाई हैं। इन्होंने उखाड़ा था? जी नहीं, इनकी जमीन है, इन्हीं खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया सर। और सर हमारा मुकदमा नहीं लिख रहे सर, आपने आदेश किया तो सीओ साहब ने जांच भी नहीं किया, हमारा बयान लिया और उनके लिए अभी तक नोटिस भी नहीं दिया, और जो पुलिस ने पहले से लगाया था वही रिपोर्ट भेज दिया। सर हमारा एक निवेदन है सर, सीओ साहब से बात कर ले, हम मिले थे तो हमको सम्मन जारी किए हैं और उनको बुलाए हैं, वो आए नहीं रहे हैं। ये सभी पक्षों को, सीओ को और इनको इंक्वायरी अधिकारी को बुलवा लो, ठीक है, यहाँ से डेट लीजिए, यहीं बुलाएंगे। यहाँ यहीं बुलाया जाएगा। आप तो आप बताइए। ये सब माफिया है, ये सरकारी जमीन पर सर करते हैं कब्जा, उस पर लेखपाल चंद्र सर। क्या क्या नाम है ऐसे माफिया? पहले जेल वगैरह गए हैं सर? जेल नहीं सर, ये भू माफिया है सर, लेखपाल बार बार रिपोर्ट लगा रहे हैं कि लोग कब्जा कर रहे हैं, थाने पर सूचना भी सर दे रहे हैं, उसके बावजूद सर कोई कार्रवाई नहीं। थाने पर सर एप्लीकेशन देते हैं, कहते हैं हम लोग क्या करें, अब आप लोग अपना देखिए। उक्त प्रकरण के संबंध में वर्तमान समय में अपर आयुक्त महोदय द्वारा उक्त पारित आदेश के विरुद्ध घाटा संख्या 22 को खुने जोत बोकर कब्जा कर लिए हैं। पट्टेधारकों को घाटा संख्या 22 पर बार बार कहा जा रहा है, परंतु पट्टेधारकों द्वारा यह बताया जा रहा है कि पुनः कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नरी में प्रश्नोत्तरी जो करना होगा हम करेंगे। तो क्या एसएसपी साहब के संज्ञान में लाए ये बात? एसपी साहब डीएम साहब को भी दिया सर, थाने पर भी सर एप्लीकेशन दिया, लेकिन सर कुछ नहीं सर, जबकि स्पष्ट है सर, और ये उनकी जमीन है सर, इन पर भी रात में ही सर 10 तारीख को बाउंड्री कर ली है सर, थोड़ी जमीन को इनकी भी कब्जा कर, पीछे इनकी जमीन है सर। अब हम कह रहे हैं भैया हमारी समझे क्या मतलब, उनको जो करना हो करो, करें नहीं ऐसा थोड़ी, हम तो ये काम करते हैं और हमारा ये पेशा है सर, उनका ये पेशा है सर। शनिवार को होगा ये, बता दीजिए कहाँ जाना, नंबर दे दो, उसके पीछे लिख दिया करो तहसील दिवस या थाना दिवस, जिस दिन बैठते हो अगला जो भी आ रहा है उसमें जाएंगे। थाने पे दिए तो सर एक बार देखना चाहते हैं, हम अगले ही दिन सर थाने जाके दिए किसी बात, लेकिन थाना दिवस या समाधान दिवस पर जाइए, ये नंबर लेके जाइए, उसी दिन फ़ोन करेंगे।